भूखा जवान और सिस्टम महान, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंभर दयाल हैं, चेयरमैन है एनसीडीए के। मेरे साथ सुधांशु मित्तल हैं, भाजपा के नेता हैं। मेरे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन एआईएटीएफ। मेरे साथ अर्जुन मोडवाडिया हैं, कांग्रेस के नेता। मेरे साथ थोड़ी देर में मनोज ठाकुर जुड़ेंगे, हिमाचल पुलिस के वो जवान जिनका वीडियो काफी वायरल हुआ था जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता सुनाई थी। और मेरे साथ थोड़ी देर में मेजर भोजन मिल सके। बिट्टा साहब, आपसे आपके पास आऊंगा, क्या ऐसे देश की सुरक्षा होगी? बीएसएफ ने जो कहा है उसके बारे में, बीएसएफ के जो उच्च अधिकारियों ने कहा उसके बारे में हम बात करेंगे, उस पर ही बात आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस जवान ने कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं बिल्कुल एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, बीएसएफ भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और फौज भी सीमाओं की रक्षा करती हैं और सीआरपीएफ भी जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर्स की सब जगह पे सुरक्षा करती हैं। सवाल ये है, इस वक्त जो फोर्सेस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं, उनके लिए फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये आईटीबीपी, इसमें बिल्कुल फर्क नहीं आना चाहिए। ये फर्क डालना हमारे लिए बिल्कुल गलत बात है। जहाँ तक अभी भाई साहब ने बोला, इनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जो उन्होंने इतनी बातें कहीं, अभी तो नहीं है उस जिम्मेदारी के ऊपर, पर इन्होंने भी अपनी लाइफ में कई ऐसी चीजें देखी होंगी। सवाल जो देखा गया, जो जवान ने हमें दिखाया, जो वीडियो वायरल हुआ, वो तो स्पष्ट बताता है कि इसमें कोई ना कोई कमी बहुत बड़ी है। पर दूसरी बात यह है, क्या उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया? हमारे पास भी सीआरपीएफ है, इतने सालों से हम सुरक्षा फोर्सेज में हैं, हमारे कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। पर अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी सख्त जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, ये कई सालों से साफ सिस्टम चल रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फौज हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, ये कमीशन की बातें हम बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं। त्यागी की मिसाल आपके सामने है, एयरफोर्स का इतना बड़ा अधिकारी, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर इल्जाम लगे, और मैं अगर आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, एसपीजी के एक सीनियर ऑफिसर पूरी एसपीजी को संभालने वाले वो भी इन्वॉल्व हैं, प्राइम मिनिस्टर के पहले सुरक्षा सलाहकार वो भी इन्वॉल्व थे। सवाल सबसे बड़ा, ये तो पॉलिटिकल मर्डर भी इस तरीके से होते गए, ये तो करप्शन की बात है, वो भी होते गए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार को इसके ऊपर हेल्पलाइन बनानी चाहिए थी शुरू से। अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जवान को, सीआरपीएफ हो, फौज हो, अलग अलग हेल्पलाइन बने, सीधी कमेटी बने, उनको सीधा मैसेज जाए और एक्शन ना हो, फिर जवान का काम है कि जवान सामने आए। ठीक है, सवाल ये है कि क्या जवान अपने अधिकारी को बताता है, उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो किसको अप्रोच करे? क्या उसको ये मौका नहीं मिला कि उसको वीडियो वायरल? बिट्टा साहब, इस वीडियो के वायरल होने के एक बाद एक सवाल तो उठता है कि जिस आर्मी पर हम गर्व करते हैं, इस वीडियो ने कहीं ना कहीं उसी आर्मी के सिस्टम, बीएसएफ के सिस्टम पर, और क्योंकि आर्मी से अटैच थी इसलिए आर्मी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, उस सिस्टम पर, मैं आर्मी पर नहीं सिस्टम पर बोल रहा हूँ, क्या सवाल उठता है? देखो, मैं एक बात कहूँ, मैं आज भी चंडीगढ़ से आ रहा था, जो अभी जवान हमारा जिसका मनदीप सिंह का सिर काट दिया था, उनके घर में समस्या थी, रास्ते में होके आया। मैं जवानों के परिवारों के साथ, जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के साथ ही रहता हूँ, हर दुख सुख में उनके साथ रहता हूँ। पर जो सहगल साहब ने कहा, हमारे भाई साहब ने जो बातें कही, इनकी बातों को भी जरा समझने की जरूरत है कि हम पूरे देश की क्या फोर्सेस को बदनाम कर देंगे? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां सारी फोर्सेस को, फौज को, बीएसएफ को, सीआरपी को, जो जवान मौत का कफन बांध के मातृभूमि की आजादी की रक्षा, सीमाओं की रक्षा करते हैं, लहूलुहान उनकी बॉडी आती है, क्या उनके ऊपर भी हम मजाक उड़ा देंगे? अगर एक जवान के साथ या कुछ और जवानों के साथ ऐसी घटना हुई है तो एक्शन सख्त होना चाहिए। और क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जी ने ड्यूटी लगा दी कि उसके ऊपर एक्शन करो? जवान ने क्या कहा, बड़े रेस्पेक्टफुली तरीके से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उसको फक्र था कि हमारे प्रधानमंत्री तक बात पहुंचेगी, आगे से गलती नहीं होगी, उन्होंने बड़े तरीके से कहा, हो गया, अब उसके ऊपर एक्शन हो गया। मैं गारंटी से कहता हूं, आज के बाद ऐसी गलती होगी नहीं जिस तरीके से वीडियो और वायरल हुआ है। पर दूसरी बात कहूं, अगर इस तरीके से हम अपने अधिकारी को ना कहें, सुनिए, अपने अधिकारी को किसी को ना कहें, और वीडियो वायरल अगर सब जवानों के ऐसे होते रहे तो पाकिस्तान में आईएसआई में क्या मैसेज जाएगा? क्या हमने कभी सोचा? हम कांग्रेस और बीजेपी में जवान के मुद्दे को क्यों लेके जाते हैं? गलती हुई है, एक्शन हो, पर पाकिस्तान, आईएसआई, हमारे
हमारे जवानों का, हमारी सुरक्षा फोर्सेस का तमाचा ना उठे। हम बिल्कुल यहाँ पे ना प्रधानमंत्री को ना किसी को कुछ कहें, हम कहें ये गलती हुई है, ये पहली सरकारों के टाइम पे भी होती रही, अब भी हुई है, आगे नहीं होनी चाहिए, उसका एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी में जवान को लपेटना नहीं हमें चाहिए। देश की गरीबी पे ध्यान दो, आप देश में बीमारियां हैं ध्यान दो, अनएजुकेशन, आप लोग उस पे जाओ, उस पे बहुत मुद्दे, मोदी जी और आप सब उसको मिलकर सुधारो। ये एक लोकल एक्शन है, प्योरली लोकल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय कमांडिंग, इसके कमांडिंग ऑफिसर को, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ बीएसएफ को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बीएसएफ डीजी को उस कार्रवाई को पब्लिश करना चाहिए। उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन दूर रखो साहब, आप लोग हर बात पे बात, मैं कहता हूँ बाहर कहां से आ गए, इसी देश के वो लोग हैं, यही एजेंसी है। इस देश में एक आदत है, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी में बहुत खोट निकाल सकती है, 20 किस्म की वो चीजें निकाल सकती है। आप उस सुविधा, उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं, उसके अंदर आप सेफ गार्ड जहां जहां फेलियर है उन सबको पनिश करो। अगर इसके ब्रिगेड, इसका, इसके सर वही तो सवाल है सर, आईजी को सर, इस पैनल में ना तो मैं उठा रहा हूं सवाल सेना पर और बीएसएफ पर, ना ही कोई पैनलिस्ट उठा रहा है बीएसएफ या सेना पर, इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। लेकिन सर अगर एक भी जवान अगर कहीं किसी दिक्कत है तो उस दिक्कत को एडजस्ट नहीं किया गया तभी ना कहीं वो दुखी होकर एक जवाब देना चाहता हूं। देखो एक्शन सख्त होना चाहिए और पूरे देश को पता चले इतना बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरी बात फिर कहूं, यह मुद्दा पाकिस्तान आईएसआई उन आतंकवादियों तक जो हमारा मजाक ना उड़ाएं, जो हमारे बहादुर जवान, मजाक उड़ाने का मौका किसने दिया ये? नहीं बहादुर जवान जो किसने दिया? नहीं जिसने भी दिया, जिसने किया एक्शन हो, पर ऐसा ना हो कि हमारी सारी फोर्सेज जवान शहीद होते हैं। बिट्टा साहब सुधांशु जी आ रहा हूं, बिट्टा साहब नहीं, इन्होंने सर बहुत सवाल, बड़े सवाल उठा दिए, सरकार ने बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं और आप जो छोटी सी चीज है उसको आप बड़ा बना। मैं बताऊं, पार्लियामेंट की बात इन्होंने की, आपने चर्चा की पहले भी, नोटबंदी पे एक, वोटबंदी पे एक, बंद पे एक, 12,000 करोड़ नक्सलाइटों का समाप्त हुआ, 70 जवान एक दिन में शहीद हो जाते थे, 370 धारा का मुद्दा खड़ा है। क्या पार्लियामेंट के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सरकार 370 धारा नहीं हटा सकती? क्या पार्लियामेंट के अंदर इतने जवान शहीद होते हैं, उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब बंद हुए, नोटबंदी के कारण बंद हुए, क्या पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होकर कभी जवानों के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां 370 धारा के ऊपर खड़ी होती हैं, हथियारों के लिए खड़ी होती हैं कि हमें अच्छे हथियार चाहिए, हमें टैंक चाहिए? अगर हिंदुस्तान के अंदर डुप्लीकेट करेंसी चलती रहेगी, इकोनॉमिक टेररिज्म ऐसे चलता रहा, कहां से हथियार आएंगे, कहां से गोला बारूद आएगा, कहां से चाइना और पाकिस्तान इन लोगों को दांत खट्टे करेंगे? वो तभी करेंगे, हिंदुस्तान की जनता, पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर एक हो करके कहे मातृभूमि जवानों के लिए, जवान शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के लिए, उनको दिखते क्या है सरहदों के अंदर, उसके लिए हम एक हैं। अरे एक तो होती नहीं, हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, हम कभी कहते हैं दीनानगर की घटना हुई, फिर 26/11 की हुई, अरे जवान गोलियां वहां खाता है, इतनी सर्दी के अंदर गोली चल नहीं सकती इतनी सर्दी में, फिर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो गोली खाने के लिए तैयार रहता है, और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर नोटबंदी और वोटबंदी, और वोटबंदी के ऊपर बंद के ऊपर एक हो जाते हैं जनाब। 70 जवानों की लाशें आती हैं, उनका 12,000 करोड़ नहीं सर, के लिए कोई नहीं खड़ा होता जवान। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां इनके आजकल क्रेडिट ले रही हैं, काम नहीं कर रही? आप देखिए नोटबंदी पे क्या हुआ, क्या हुआ नोटबंदी के ऊपर, मुझे बताइए, क्या किसी ने जवानों के घर में जाके पूछा क्या इतनी सर्दी में बॉर्डर के अंदर कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के कौन लोग जाते हैं? हम जाते हैं रोज जाते हैं। प्रधानमंत्री तो दिवाली मनाते हैं जवानों के साथ। नहीं, प्रधानमंत्री की अगर बात कहे, प्रधानमंत्री बीजेपी के हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा कोई लेना देना ना, मुझे बीजेपी के साथ, अगर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, हमारे 18 जवान शहीद होते हैं और 10 दिन के अंदर 45 आतंकवादियों को ठोक के आते हैं, अगर 70 जवान शहीद करने वालों के ऊपर 12,000 करोड़ की उनकी डुप्लीकेट करेंसी, उनका पैसा नष्ट करते हैं, तो प्रधानमंत्री को सलूट क्यों नहीं करेंगे? चलिए ठीक बात, मेरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाया करते थे उस वक्त बर्फों पे, आज हमारा हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जाते हैं, होंगे बीजेपी के, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा, हमारे जवानों की रक्षा करें उनके लिए है। आज ये मुद्दा उठा है, अगर प्रधानमंत्री जी तक ये मुद्दा गया होगा।